नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। अब डायरेक्ट किसानों के खाते में जो है फसल खरीद के बाद पेमेंट होगी, और इस फैसले का जो है आढ़ती तो विरोध कर रहे हैं। इनेलो नेता आरएस चौधरी मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? इसका न केवल व्यापारी विरोध कर रहे हैं, किसान भी विरोध कर रहे हैं जी। किसानों का और व्यापारियों का सदियों पुराना नाता है। ये सदियों पुरानी कोई पार्टी चल रही है, ये आज की नहीं शुरू हुई। मुझे भी कम से कम देखते हुए 70, मेरी जितनी उम्र है 70 साल तो मुझे भी हो गए। जब एक सिस्टम ठीक चल रहा है, व्यापारी के लिए भी सुविधाजनक है और किसान के लिए भी सुविधाजनक है, तो आप उसमें तब्दीली क्यों करना चाहते हैं? परेशानी किसान के लिए भी होगी, परेशानी व्यापारी के लिए भी होगी। पिछले सालों में भी आप इस प्रकार की घोषणाएं करते रहे, फिर बाद में आपने पैसा बदल लिया। तो क्या सिर्फ एक बार व्यापारी को किसान को डराने के लिए या उसको एक परेशान करने के लिए इस प्रकार की घोषणा की गई है? सिस्टम वही कामयाब होगा जहाँ सबका सहयोग हो, व्यापारी भी एग्री करे, किसान भी एग्री करे, सरकार भी एग्री करे। क्या सरकार ने इस प्रकार का फैसला लेने से पहले किसानों और व्यापारी से कोई बातचीत की? ये तरफा फैसला कभी भी आप लोगों पर थोप नहीं सकते, जिसे ना तो व्यापारी खुश है ना किसान खुश है। सरकार सब ये दिखाने के लिए कि हम बिचौलियों को खत्म करना चाहती है, तो सरकार जो अपने लेवल पर खामियां कमियां कमजोरियां उसको दूर करे, सिस्टम की कमजोरियों को दूर करे। जो शुरू से पार्टी चल रही है, शुरू से जो सिस्टम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास में क्या सरकार गिन करना चाहती है, ये मेरी समझ से बात। क्या लगता है आपको इससे क्या दिक्कत आ सकती है किसानों को भी, आढ़तियों को भी, सिस्टम खराब हो सकता है? देखिए, बात यह है, आज व्यापारी और किसानों के बीच में आज का नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। व्यापारी किसान का दुख सुख का साथी है, वही उसका ATM है, वही उसका बैंक है। बच्चे की फीस हो, परिवार में कोई बीमार हो गया, अस्पताल में लेके जाना हो, वकील के पास जाना हो, या कोई और उसका शादी हो, या कोई और सामाजिक उसका खर्चा आया, व्यापारी के पास जाता है, पैसे ले आता है। कोई वहाँ पर कोई कागज पत्र होते हैं, वो जाता है, पैसे देता ले लेता है। गवर्नमेंट के तो वो कोई ब्याज लेता है, कोई ब्याज नहीं लेता, क्योंकि उसको 50 साल के अंदर फसल आएगा। ये व्यापारी उस उम्मीद के अंदर पैसा उसको देता है। सरकार का तो पहले कर्ज लेना भी आसान बात नहीं है, दूसरा कर्ज पे सरकार का ब्याज दूसरे दिन शुरू हो जाया। तो जो व्यापारी और किसान का जो आपस का नाता है वो बहुत पुराना है और बहुत सही ढंग से चल रहा है। उसमें खलल डालना या उसको तब्दील करना या सरकार ये कहना बिछड़े खत्म करना चाहते हैं, अच्छे सरकार का मुद्दा किसान और व्यापारी को परेशान करना है, सिस्टम को सुधार करना नहीं है। जी, शुक्रिया। तो आरएस चौधरी मेरे साथ थे, और उन्होंने जो सरकार ने फैसला लिया है किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट करने का, उसको लेकर अपनी बात रखी।